अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लॉ गेट सिलेबस में आज जो जिस बुक का सिलेबस हम शुरू करने वाले हैं वो है प्रोफेशनल एथिक्स, और इसके जो है रूल्स हैं, और रूल्स के फोर पार्ट हैं, ए बी सी डी। एंड आज हम फर्स्ट पार्ट कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट स्टार्ट करने वाले हैं। एथिक्स पार्ट ए में कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट में मैं आप लोगों को फर्स्ट फाइव रूल्स करवाने वाली हूँ आज, 134 से लेके 138 तक। वो इसलिए क्योंकि ये मुकम्मल इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर की स्टेटमेंट वो कुछ भी उठा के दे देते हैं। और साथ में आप लोगों को आज इसके कीवर्ड्स भी बताने हैं और उर्दू भी बतानी है, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भूल ना जाए। सबसे पहले रूल 134 है और उसकी जो हेडिंग बनती है वो है रिलेटेड टू डिग्निटी। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट, ये हर वकील का फ़र्ज है, टू अपहोल्ड, कायम रखना एट ऑल टाइम, तमाम वक्त, द डिग्निटी, वकार एंड हाई स्टैंडिंग, कदर व मंजिलत ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने शोबे की, एज वेल एज इसके साथ साथ हिज़ ऑन डिग्निटी, अपनी अपना वकार एंड हाई स्टैंडिंग, और अपनी कदर व मंजिलत एज अ मेम्बर ऑफ देयर ऑफ, इस शोबे का रुकन होते हुए। अगला जो रूल है वो है 135, और इसकी हेडिंग है रिलेटेड टू प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। एन एडवोकेट, एक वकील, शेल नॉट, नहीं करेगा सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, अपने पेशे की तशहीर बाय एडवर्टाइजमेंट, किसी भी इश्तहार के ज़रिए, और बाय एनी अदर मीन्स, या किसी भी और तरीके के ज़रिए। दिस क्लॉज, ये शख्स, शेल नॉट बी कंस्ट्रूड, शेल नॉट मतलब नहीं, कंस्ट्रूड मतलब ताबीर, एज प्रोहिबिटिंग, रोकना, द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन इश्तहारात, तो ये शख्स किसी भी तरह के इश्तहारात को रोकने के साथ ताबीर नहीं की जाएगी। और यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, यानी कि आम इस्तेमाल में आने वाले पेशा वराना कार्ड्स की पब्लिकेशन में, नेम प्लेट्स में, कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज़ में, ये शक जो है मना नहीं समझी जाएगी। सो लॉन्ग एज, बशर्त ये, द इंफॉर्मेशन, मालूमात, कॉन्टेन देयर इन इज़, उनमें पाई जाने वाली मालूमात होनी चाहिए लिमिटेड, महदूद, टू प्रोफेशनल, पेशा वराना एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, का तालीमी काबिलियत तक, एंड और पब्लिक ऑफिस करंटली हेल्ड, और उस पब्लिक ऑफिस में, उस पब्लिक ऑफिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड में भी और नंबर प्लेट्स में भी, जो एट दैट टाइम वो वकील रखता हो। एंड डज नॉट कंटेन, और ना रखता हो एनी मैटर, कोई भी मामला, विच सेवर, जो चमकाता हो, नमाया करता हो, ऑफ प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, पेशा वराना इश्तहारात, यानी कि उसमें कोई भी इस तरह का मामला ना हो जो पेशा वराना इश्तहारात की तरफ इशारा करता हो। नेक्स्ट है 136 रूल, और ये भी एम्प्लॉयमेंट के ही मुतल्लिक है। एन एडवोकेट, कोई भी वकील, शेल नॉट, नहीं करेगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब वैसे तो मुलाजमत है लेकिन यहाँ पे हम उसकी खिदमत के तौर पे इसका तर्जुमा करेंगे, एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे इंसान की, टू सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब है दरख्वास्त, लेकिन यहाँ पे हम मांगना करेंगे, और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, और ऑब्टेन का मतलब है हसूल, और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है पेशा वाराना खिदमत, यानी कि कोई भी एडवोकेट किसी दूसरे इंसान से रोज़गार के हसूल के लिए किसी भी तरह की खिदमत नहीं मांगेगा। नॉर रिमेनोरेट, नॉर का मतलब नहीं, रिमेनोरेट का मतलब मुआवजा, एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स के लिए फॉर सॉलिसाइटिंग, दरख्वास्त करेगा और ऑब्टेनिंग और हासिल करेगा, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह का पेशा वराना रोज़गार, फॉर हिम, किसी दूसरे शख्स के लिए। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी शख्स, कोई भी एडवोकेट किसी दूसरे शख्स के लिए ना तो मुआवजा लेगा और ना ही उसकी जो है प्रोफेशनल रोज़गार के लिए दरख्वास्त करेगा। नॉट शेल बी श्योर्ड, यानी कि शरीक नहीं करेगा विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन, गैर लाइसेंस याफ्ता शख्स को एनी कॉम्पनसेशन, मुआवजा, अराइजिंग आउट ऑफ और इंसिडेंटल टू प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसा शख्स जो उसके साथ होगा और उसकी वजह से जो मुआवजा उसको अर्न होगा वो मुआवजा उस गैर लाइसेंस याफ्ता शख्स के साथ वो शेयर नहीं करेगा। नॉट शेल बी एड, यानी कि उसकी मदद नहीं करेगा और अबेट उसको तरगीब नहीं देगा, किसको, एक गैर लाइसेंस याफ्ता इंसान को, टू प्रैक्टिस लॉ, किस वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए, और टू रिसीव कंपनसेशन, और मुआवजा लेने के लिए, कोई भी वकील किसी अनलाइसेंस पर्सन को इस चीज़ के लिए तरगीब या मुआवनत नहीं करेगा। नॉट शेल ही नोइंगली एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ और एज इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ एन अनलाइसेंस्ड पर्सन, यानी कि वो वकील जानते बूझते हुए किसी भी गैर लाइसेंस याफ्ता शख्स की प्रोफेशनल
प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है रूल 137 और इसकी हेडिंग है रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब गुफ्तगू अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी यानी कि मुतनाज़ा मामलात पर विद अ पार्टी उस फरीक के साथ रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस और इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट यानी कि कोई भी एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट की गैर मौजूदगी में उसकी पार्टी के साथ किसी भी मुतनाज़ जो है टॉपिक पे बात नहीं करेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 138 और इसकी हेडिंग है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल। एन एडवोकेट शेल नॉट, कोई भी वकील नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल किसी दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में कम्युनिकेट विद गुफ्तगू और आर्ग्यू बहस बिफोर अ जज किसी भी जज के सामने और जुडिशियल ऑफिसर किसी भी ऑफिसर के सामने एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट सिवाय खुली अदालत के कोई भी वकील किसी दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में किसी जज के सामने ना तो आर्ग्यू करेगा और ना ही जो है वो गुफ्तगू करेगा। एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ कंटेस्टेड मैटर पेंडिंग बिफोर सच जज और जुडिशियल ऑफिसर और किसी भी ऐसे मामले में जो कि उस जज या जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश किया गया हो। Nor shall he, without furnishing the opposing advocate with the copy thereof, address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer. It means कि वो advocate जब तक किसी मामले उस मामले की photocopy दे नहीं देगा दूसरे advocate को तब तक वो उस judge के सामने जिसके सामने मामला है बहस नहीं करेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा और मामला बयान नहीं कर सके। नेक्स्ट जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, वो पूछ सकता है कि 138 का जो रूल है वो किस पे अप्लाई नहीं होता। तो दिस रूल शिल नॉट अप्लाई टू द एक्स पार्टी मैटर यानी कि यक तरफा, एक्स पार्टी का मतलब है यक तरफा कार्रवाई पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा और इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर नॉट सब जुडिशियल बिफोर द जज एंड जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न यानी कि ऐसे मैटर जो उस जज की कंसर्न में नहीं होंगे उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। अब मैं इसके कीवर्ड्स बयान कर देती हूँ आप लोगों के लिए और कीवर्ड्स को आपने माइंड में रखना है क्योंकि लॉ गेट पेपर में कीवर्ड्स ही आते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 134 में जो कीवर्ड हम कह सकते हैं वो है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट। तो जो ड्यूटी वर्ड है ठीक है वो इम्पॉर्टेंट है। अपहोल्ड वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये दो कीवर्ड हैं रूल नंबर 134। नेक्स्ट जो 135 में हमारे पास कीवर्ड है वो है शेल नॉट। ठीक है वो कंफ्यूज करने के लिए इससे मिलते जुलते वर्ड देता है ऑप्शन में और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। नेक्स्ट 136 में जो कीवर्ड हो सकता है वो है शेल नॉट इम्प्लॉय। 137 में दो कीवर्ड्स हैं, एक शेल नॉट कम्युनिकेट और दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। रूल नंबर 138 का एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सेकेंड नंबर पे जो इसमें कीवर्ड याद रखने वाले हैं वो है ओपोजिंग काउंसिल। ठीक है इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल द नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू। ये पूरी जो दो चार लफ्ज हैं यही इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बिफोर जज और जुडिशियल ऑफिसर इन ओपन कोर्ट। ठीक है तो ये दो से तीन कीवर्ड्स हैं इस रूल में याद रखने वाले, इनमें से आ सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर 10 नंबर के लिए लीगल एथिक्स पे और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से एक सवाल करना था। जिस वे में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ आप लोगों को उसकी समझ आती है, कुछ पल्ले पड़ता है।